₹100 में देखो ये सारे सेट्स यहाँ पे मिल रहे हैं इमिटेशन ज्वेलरी के, ये बैंगल्स भी। चांदनी चौक ठीक लाल किले के सामने ही है। बॉडी मसाज बालों के। क्या बढ़िया। अच्छा नहीं ये कलर नहीं, कलर तो और भी है। 350 रुपये का है। जलेबियाँ देखो भाई बड़ी बड़ी, ₹150 के दो हैं। ओ भाई साहब मैं तो बीच में ही फंस गया था दोनों रिक्शों के, साइकिल रिक्शों के। हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल अफजल व्लॉग। तो फ्रेंड्स आज मैं आया हूँ दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में। तो चांदनी चौक का पूरा इलाका मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ की कुछ मार्केट दिखाऊंगा, उसके साथ साथ लाल किला दिखाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने दिल्ली के ट्रैवल के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं चांदनी चौक का, कैसा चांदनी का चौक है, लाल किला बाहर से कैसा दिखता है, अंदर जाने की भी कोशिश करूँगा अगर हो सका टाइम मिला तो। तो चलिए फटाफट चांदनी चौक देखते हैं इस व्लॉग में। तो जो भी कोई मेरे चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें, तो काफ़ी कुछ देखने को मिलने वाला है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं चांदनी चौक। ये देखिए दोस्तों ये है चांदनी चौक का एरिया, ये पूरा रोड देखिए आप, काफ़ी सही बनाया है देखिए। अच्छा एक बात ये है कि यहाँ पर इस रोड में पहले तो बहुत ट्रैफिक हुआ करती थी, अभी लेकिन काफ़ी अच्छा काम कर दिया गया है, सफाई काफ़ी अच्छी हो गई है, रोड थोड़ा सा चौड़ा कर दिया है ठीक है। और दूसरी गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं आ सकती, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि कार या कोई और बाइक या कुछ भी यहाँ पर नहीं चला सकते। ये पूरे रोड पर चांदनी चौक के सामने दूर आपको दिख रहा होगा लाल किला, लाल किले से वहाँ पीछे जहाँ तक ये चांदनी चौक का रोड जाता है ज़्यादा करके कोई और गाड़ी नहीं आती, सिर्फ ये रिक्शे दिखेंगे आपको। देखिए ये साइकिल रिक्शे जो है ना, सिर्फ और सिर्फ ये साइकिल रिक्शे यहाँ पर चलते हैं, लोगों को यहाँ से वहाँ लेके जाने में इसी का फ़ायदा उठाना पड़ता है, मतलब यही चलते हैं सिर्फ। देखो साइकिल रिक्शे हर तरफ आपको साइकिल रिक्शे ही दिखेंगे, सिर्फ सारे साइकिल रिक्शे यहाँ पर दिखेंगे। ये देखिए अभी ये गुरुद्वारा चौक है, देखिए कितना बड़ा गुरुद्वारा है यहाँ पर, काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है यहाँ पर, गुरुद्वारा भी है और देखिए वहाँ पर भी कितने सारे ये साइकिल रिक्शे हैं। गुरुद्वारा भी बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा ये दिल्ली का आई थिंक गुरुद्वारा सिंहगंज साहिब दिल्ली का ये गुरुद्वारा है। मैं बीच में फंस गया था दोनों रिक्शों के, साइकिल रिक्शों के, लेकिन एक चीज़ अच्छी हो गई यहाँ पर कि पहले ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होता था ये रोड और छोटा हो जाता था काफ़ी, क्योंकि मार्केट एकदम आगे तक आ जाती थी, ये रोड अच्छा नहीं था, गंदा हुआ करता था, ये बीच में जिस तरह से ब्यूटिफिकेशन है ये सब नहीं था, लैम्प्स वगैरह रात में बहुत अच्छी चलती हैं यहाँ पर, लेकिन सारी तरफ लाइन लैम्प वगैरह लगे हैं तो ऐसा नहीं था, लेकिन अभी बहुत अच्छा काम हो चुका है। मैं वैसे दोस्तों यहाँ पर 6-7 साल पहले भी आया था, तो उस टाइम पे ये चांदनी चौक का ये जो इलाका है ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया बहुत कंजस्टेड हुआ करता था, बहुत ज़्यादा क्राउड होता था, ट्रैफिक बहुत होती थी। जिस तरह से ये थोड़ा सा खूबसूरत गार्डन वार्डन बीच में बना दिया है ये सब नहीं था, लाइट्स वगैरह लगा दी हैं तो अभी अच्छा हो गया है, काफ़ी खुला खुला हो गया है, आपको ट्रैफिक नहीं मिलती, बढ़िया लगता है। अभी दोपहर का टाइम है इसलिए बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन जितना हो सकता है उतना सारी मार्केट भी आपको दिखाता हूँ। ये मार्केट भी मुंबई जैसा ही है, ऐसा कुछ अलग नहीं है, चीज़ें सस्ती अच्छी महंगी मतलब सब तरह की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। ये देखिए ₹100 में यहाँ पे लेडीज़ के ये पर्स मिल रहे हैं, ₹150 के दो हैं, ₹80 का एक ये नेकलेस है और ₹150 में दो, ये था तो अच्छा है भाई, आगे चलते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें हैं। और काफ़ी हद तक कैसा है हमारे यहाँ के प्रॉफिट मार्केट जैसा भी है। ये कितने का है जी, ये कितने का है? ₹150 का दो है जी, ₹150 का दो। अच्छा ₹150 के दो, ₹150 के दो हैं, ₹100 का नहीं। चलिए
ये देखिए यहाँ पे जलेबी मिल रही है और वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी है भाई। ये देखो ये सारा मार्केट है, मुंबई के क्रैफेट मार्केट के तरह दिखता है, उसी तरह की गलियाँ हैं, उसी तरह का मार्केट है ये पूरा का पूरा। देखिए सारी चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, इमिटेशन ज्वेलरी के, कपड़ों के सारे हैं यहाँ पे। ये देखिए सारे कपड़े 350 रुपये। अच्छा नहीं ये कलर नहीं, कलर तो और भी है, 350 रुपये का है। मैं निकला वहाँ से तो मुझे वो टॉप 250 बोला 225। देखिए चप्पल अप्पल भी है, तो रेट है बार्गेनिंग जैसे मुंबई में होती है वैसे ही, मुंबई की बार्गेनिंग की तरह बार्गेनिंग भी कर सकते हैं आप। ये दिल्ली की मार्केट है भाई और ये चांदनी चौक है। यस यस बढ़िया। तो ये हमारी दिल्ली की पब्लिक है। ये देखिए यहाँ चांदनी चौक में एक गली मुझे दिखी है जो मुंबई की लोहार चाल जैसी है, लाइटें वाइटें सब कुछ है। थोड़ा सा आपको ये गली भी दिखा देता हूँ, ये सारी गली है यहाँ पे लाइटें वाइटें मिलती हैं और काफ़ी लंबी है ऑलमोस्ट मुंबई की गली की। इन गलियों को देखो यार, एकदम कितनी कंजेस्टेड है और अंदर मार्केट है सारा, ठीक है। पूरे मस्जिद बंदर के जो गलियां होती है वैसी, लेकिन इस तरह की तार नहीं होती यार। देखिए इलेक्ट्रिक तारे देखिए कितनी नीचे हैं, बिल्कुल आपको फील करेगा कि भाई आप मोहम्मद अली रोड के गलियों में हैं। ये देखिए ये सारी कंजेस्टेड गलियां भी हैं यहाँ पर काफ़ी सारी। ये देखिए आपको ठीक सामने दिख रहा है लाल किला, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए चांदनी चौक ठीक लाल किले के सामने ही है पूरा का पूरा, है ना। तो और ये देखिए ये रोड को किस तरह से इन्होंने कलर वलर कर दिया है पूरा, यानी कि काम हुआ है, थोड़ा सा सफाई हुई है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी अच्छी सफाई हुई है तो अच्छा लगता है। ये देखिए पूरी मार्केट आप देखिए, अभी दोपहर में 2 बज रहा है और इसके वजह से थोड़ा मार्केट कम है। कितने के है ये सब भाई जान? 100 रुपये, 100 रुपये के ट्रैक्स हैं, 100 रुपीज़ में। मैंने अगली बार आया था ध्यान रखना बाबूजी। चांदनी चौक का मार्केट है ये पूरा, सारे रोड के स्ट्रीट के जो कपड़े होते हैं वो सब यहाँ पर बिकते हैं, जेंट्स लेडीज़ बच्चों के सारे कपड़े से लेके सब कुछ। देखिए यहाँ पे शर्ट्स मिल रहे हैं, कितने के भाई शर्ट कितने के? 150 रुपये के शर्ट है यहाँ पर, सेट वगैरह कितने के भैया? 100 रुपये। 100 रुपये के ये देखिए ये नेकलेस वगैरह हैं इमिटेशन के, अच्छे हैं लेकिन यार, क्योंकि काफ़ी अलग अलग कलर के डिज़ाइन के पैटर्न्स के। ये बैंगल्स जो है ये भी 100 रुपये के हैं, ये बैंगल्स के पूरे सेट है, ये सब 100-100 रुपये के, कड़े वगैरह जो होते हैं ना ये सब 100-100 रुपये के हैं यहाँ पर, तो अच्छा है मार्केट का रेट तो। भाई इतनी ज़बरदस्त धूप है यहाँ पर, मेरे ख्याल से 42 डिग्री सेल्सियस अभी चल रहा है गर्मी, जो टेम्परेचर दिखा रहा है 42 डिग्री सेल्सियस। वो दिल्ली की गर्मी और दिल्ली की ठंडी दोनों ही बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होती है, बहुत ही ज़्यादा। देखते हैं कि क्या क्या मैं एक्सप्लोर कर पाता हूँ। मेरे दिल्ली के टूर में सिर्फ एक दिन मुझे मिला है और वो भी 5 घंटे 4 घंटे, जिसके अंदर मेरे को जितने भी चीज़ें मैं आपको दिखा पाऊँ। अभी फ़िलहाल चांदनी चौक हम घूम रहे हैं। कितने का है? मसाजर है सर। कितने का है? बॉडी मसाज है। अच्छा देखो भाई बॉडी मसाज, बालों के कंघी भी करेगा, डबल होता है। अच्छा बालों पे भी होता है? ओह हो, कितने का है? 170 का है। 170 रुपये। और ये वाला? ये सर मसाज। हाँ ये मालूम मैं करो, मत पता है कितने का है ये? ये 60 का। 60 रुपये। अच्छा बट इसकी मुझे अभी ऐसा फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है भैया, मसाज अच्छा काम कर रहा धूप में। मसाजर तो ले जाओ। नहीं 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 मसाजर ले लो, कम देगा। नहीं ठीक है, तो मसाजर देखा हमने और
देखिए कपड़े वपड़े वापस से हम आगे कपड़े दिखा रहे हैं। देखिए इस तरह की पूरी मार्केट है इस तरह की। दो सौ रुपये की नहीं जानता हूँ कि ओरिजिनल है कि नकली। ये 100 रुपए की है क्या? नहीं फास्ट है, ओरिजिनल होगी। ये 100 रुपए की, मैं मान नहीं सकता ओरिजिनल है। ये 200 रुपए, आ जा लो। ये 200 रुपए, 200 और 100 रुपए की घड़ी है। हाँ सर, ये देखिए घर को सजाने के लिए लटकन लटकन होती है ना, ये 80 रुपए की दो बोल रहे हैं। ये वाली 80 रुपीज़ के दो। ये देखिए ये बड़ा वाला, ये थोड़ा शायद महंगा है। ये कितने का है? अच्छा ये 100 रुपए की दो है। अच्छे आइटम हैं, अच्छी चीज़ें हैं। ये वाला ये 200 रुपए का एक है भाई। तो है अच्छी चीज़ें हैं देखिए ना, सजाने के लिए लोग ले भी रहे हैं काफ़ी सारे, काफ़ी अच्छे अच्छे लग रहे हैं। वो देखिए वो चिड़िया उड़ रही है, घर में आप लटका सकते हैं। एयरिंग वगैरह लेडीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती है भाई मार्केटों में। जेंट्स के लिए उतने ऑप्शन नहीं होते, लेकिन लेडीज़ के लिए, और मार्केट होती ही एक्चुअली लेडीज़ के लिए है भाई। लेडीज़ पर्स, कपड़े, चप्पल, एयरिंग्स, कितनी चीज़ें सिर्फ लेडीज़ के लिए। ये है चांदनी चौक। ये देखिए आ गया लाल किला। चांदनी चौक के इस एंड पे लाल किला सामने ही दिखता है, एकदम गेट उसका दिख रहा है देखिए, एकदम ठीक सामने। और यहाँ पर एक मंदिर भी है, ये देखिए ये लाल कलर वाली जो मंदिर है अपने फिल्मों में भी बहुत देखा होगा। और इसी रास्ते पर देखिए सामने है गुरुद्वारा, और ये ठीक सामने लाल किला। तो एक ही रास्ते पे सारी चीज़ें आपको दिख जाती है। चलते हैं फटाफट, रोड क्रॉस करते हैं और उस तरफ से देखते हैं कि लाल किले की तरफ जाने का मौका मिलता है क्या। कई बार बंद रहता है, कई बार कुछ अलग ही होता है। रोड क्रॉस करना भी यहाँ पर बड़ा मतलब एक आर्ट जैसा है। गाड़ियाँ रपा आती हैं। सामने लाल किला है, हम कोशिश करेंगे आपको देखने का। रोड क्रॉस कर दिया हमने भाई। ये देखिए भाई लाल किला, आई थिंक आज भी यह बंद है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। हाँ अंदर लोग ही नहीं है, मतलब बंद है। ये लाल किला आपको दिख रहा है सामने, वहाँ पर झंडा जो लगा हुआ है हमारे देश का, वहीं पे हमारे प्रधानमंत्री 15 अगस्त और 26 जनवरी को भाषण देते हैं। और इसके ठीक सामने ये पूरा जो चांदनी चौक का एरिया है आप देख लीजिए। ये देखिए ऐसी आइकॉनिक जगहों पर आने का मौका कभी कभी मिलता है हमारे लिए। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, ये सब है, लेकिन अब आइकॉनिक जगह यानी हमारी दिल्ली में हम आए हैं तो लाल किला है, जामा मस्जिद है। तो मैं कोशिश करूँगा जामा मस्जिद भी दिखा पाऊँ। और वैसे भी आज किसी वजह से ये लाल किला बंद भी है, तो हम बाहर उसके कंपाउंड तक भी नहीं जा सकते। दिल्ली के छोले भटूरे, कढ़ी चावल, राजमा चावल, ये देखिए चावल छोले 30-30 रुपये में मिलते हैं। और ये भाई स्पेशली पानी पूरी, मतलब मुंबई की पानी पूरी, यहाँ के फुलके उलके भी बोलते हैं लोग। और सामने देखिए लाल किले का ये भी दिखेगा आपको, मेट्रो स्टेशन, लाल किला मेट्रो स्टेशन भी यहीं पर है, आप कहीं से भी आ सकते हैं मेट्रो से भी। और मेला भी लगा हुआ है लाल किले के कंपाउंड में बाहर की तरफ, देखिए। चलिए निकलते हैं यहाँ से बाहर। मैं आपको कोशिश करूँगा कि जामा मस्जिद भी दिखा सकूँ, वहाँ के खाने पीने की गली जो है खाऊ गली वहाँ की, जैसे मुंबई में होती है, वो भी दिखा सकूँ। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो को तो यहीं एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम दिल्ली की और कुछ स्पेशल जगह देखेंगे, और क्या देख सकते हैं पता नहीं, देखते हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।